ये देखो, ये बच्चा इतनी देर से रो रहा है और इसके पेरेंट्स यहाँ पे इतनी दूर बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। एक्चुअली मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को डिलीट करके वापस से अपलोड करना पड़ा। एक्चुअली मैंने एक सॉन्ग डाला था, जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो अगर आपके साथ सेम इशू आता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिधर से मैंने सॉन्ग को डाउनलोड किया था, तो आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कॉपीराइट क्लेम आता है। तो अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, 11:55 टाइम हो गया है, तो अभी कुछ खाकर अपन बाहर चलते हैं। ओके, लेट्स गो। बाहर जाने से पहले सो कुछ बना लेती हूँ, अगर कुछ और बनाने जाती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए मैंने सोचा मैगी ही बना लेती हूँ। मैगी मैं बस बहुत ज़्यादा सिंपल बनाती हूँ, नॉर्मली मैगी मसाला डाला, मैगी डाला और बॉईल किया, बस हो गया। मुझे इतना ज़्यादा तड़क भड़क पसंद भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है और जल्दी ही बन जाता है, इसलिए ये मुझे पसंद है। ओके, तो जल्दी खाकर रेडी होकर फिर चलते हैं बाहर। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप भी नहीं निकली जैसा आप देख सकते हो। आज सुबह से ऐसा ही मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो चलो आज हम लोग ई रिक्शा से जाएंगे, और ई रिक्शा हम उस मेन रोड से लेंगे। सिटी पार्क फाइनली हम पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे ब्लॉगिंग करने की हाथ में फ़ोन लेकर, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बट तब तक के लिए आपको ऐसे झेलना पड़ेगा। और अगर आपको पता है ये लोकेशन के बारे में तो आप प्लीज़ मैंशन कर देना कमेंट में। तो मेरा चेक इन हो चुका है और अब मैं पार्क के अंदर आ गई, और ये परगोला, वाओ कितना प्यारा लग रहा है देखने में, अमेजिंग। तो अभी अंदर चलते हैं, अभी थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही है एंट्रेंस पे, बट अंदर कितनी भीड़ है कुछ भी पता नहीं। वैसे आज संडे है तो सबने बोला कि आज संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा भीड़ है या नहीं है। तो लेट्स गो। कैमरे में सही से दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्राउड है इधर। वो देखो फ्लैग, गैस करके बताना ये लोकेशन किधर का है। पीछे एंट्रेंस पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो मैं फटाफट से पार्क के अंदर आ गई, मैं बहुत ज़्यादा अंदर आ गई हूँ। अब एक अच्छा सा जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। ये पार्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक प्रोसेस में ही है। ये देखो, ये पता नहीं क्या बन रहा है, आई डोंट नो, बट जो भी है बहुत अच्छा है। छोटा सा बच्चा, पता नहीं कौन सा हेयर स्टाइल है इसका, आई डोंट नो। हाय आंटी, हाय करो, हाय बाय। आंटी लोग मजे कर रहे हैं, आज संडे का मस्त मजा उठा रहे हैं। वैसे सब बोलते हैं संडे को बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, बट अभी तक तो भीड़ दिखी नहीं उतनी, बस जो भीड़ थी एंट्रेंस पे ही थी। दूर से फ्लैग बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था, बट पास आने के बाद और ज्यादा सुंदर लग रहा है। और बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अभी थोड़ी देर में उस सिटिंग के पास जाकर मैं बैठूंगी और कुछ स्केचेस बनाऊंगी। एक्चुअली मैं एक हाथ से स्केच बना रही थी और एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई स्केच को, बट जितना भी कर पाया और आपको इस वीडियो में दिख रहा है, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये स्केच कैसा लगा। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इतना ज़्यादा डिटेल आउट तो नहीं कर पाई, बट आई होप कि आपको ये पसंद आया। पहले मैंने सोचा था सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही बनाऊंगी, बट फाइनली मैंने इसमें कलर डाल दिया क्योंकि मैं कलर लेकर आई थी। जब मैं इस बेंच पे बैठी थी तो एक भी चींटियाँ नहीं थी, बट जैसे ही मैं स्केच बनाकर उठी तो देखा यहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ हैं, कुछ तो मेरे पैरों में काट भी ली। फाइनली बहुत ज़्यादा चलने के बाद इस पार्क का एंड पार्ट दिखा वो सामने।
ये देखो ये बच्चा इतनी देर से रो रहा है और इसके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं क्यों लेकर क्यों नहीं जा रहे इसको। ये देखो जिराफ कितना प्यारा लग रहा है, पता नहीं कैसे स्टेबल है। हाय, बहुत अच्छा लग रहा है इन पेड़ों के बीच से चलने में। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जब मैं स्केच कर रही थी तो बहुत सारे बच्चे पीछे खड़े होकर मेरी स्केचिंग देख रहे थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं स्केच करने में कुछ ज़्यादा ही गुम हो गई थी। पार्क में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, स्पेशली बहुत सारे स्टैचूज जो हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे बने हुए थे। पार्क ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, घूम लिया है, तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है तो फाइनली चलते हैं घर। फाइनली मैं घर आ गई। पार्क से आने के बाद मैं सो गई थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी मैं। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है सही से ढंग से। सुबह में मैगी बनाया था तो अब जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए, तो चलो साथ में बनाते हैं। तो इसमें अभी दाल बन रहा है और अभी आटा गूंथकर अभी रोटी बनाना है, तो आज दाल रोटी बनाऊंगी मैं आज। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, एटलीस्ट वीडियो एडिटिंग कंप्लीट होने ही वाली है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।